हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वाले वीडियो पर हम करने वाले हैं इंग्लिश के क्लास 10th के ए लेटर टू गॉड चैप्टर के एमसीक्यू टेस्ट। गाइस, मैं आपको बता दूं, इस टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और उसमें सबको आपको जवाब देना होगा। वीडियो को पॉज करके आपको उसका जवाब सोचना होगा और उसके बाद जब आपको जवाब आ जाए तो अपने वीडियो को रिज्यूम कर लीजिएगा, तो मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। ऑप्शन ए आपका बॉटम ऑफ द हिल, ऑप्शन बी है टॉप ऑफ अ हिल, ऑप्शन सी है टॉप ऑफ अ प्लेट्यू और ऑप्शन डी है इन अ सिटी। आई होप आपको सब में से ऑप्शन में से आपको सही आंसर पता होगा, क्योंकि जिसने चैप्टर पढ़ रखा है तो उसके लिए सबसे आसान क्वेश्चन यही है। तो चलिए अपना आंसर बता दीजिए। तो इसका जो सही आंसर गाइस होगा वो होगा आपका टॉप ऑफ अ हिल। सो गाइस, ये आपका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो गाइस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के हिसाब से जो अर्थ को चाहिए वो क्या है। तो इसका आंसर आप सोचिए और उसको वीडियो पॉज करके सोच लीजिए आप। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो लेंचो के हिसाब से अर्थ एक शॉवर है। तो चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो अपना गाइस थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। सो इसका आप आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको सबको पता होगा। तो चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन में। अपना फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। इसमें ही पूछा गया है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप जो गिरी थी, लार्ज वाले रेन ड्रॉप को लेंचो ने किससे कंपेयर किया था। तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, सोच लीजिए आप आंसर। और इसका जो है सही आंसर है, लेंचो ने लार्ज रेन ड्रॉप को सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, विच क्रॉप वॉज ग्रो ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो के फील्ड में कौन से क्रॉप्स थे वो ग्रो होते थे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कॉर्न के ही, सबको पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचोज के फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड और फ्लड। तो इसका सही आंसर है, या फिर आप बोल सकते हैं इसका सही जो ऑप्शन है वो है अपना हिल स्टॉर्म। हिल स्टॉर्म ने लेंचो के फील्ड को फुल्ली डिस्ट्रॉय कर दिया था, एक लीफ तक उसका नहीं बचा था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन डैश। तो गाइस, एक तरह का ये फिलअप्स है पर इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पूछा है कि फील्ड देखने में कैसा लग रहा था, किससे वो कवर था, तो देखने में वो किससे कवर लग रहा था। तो इसका आंसर है गाइस सॉल्ट। सॉल्ट से कवर लग रहा था, वाइट वाइट कलर का। अगर आपने जो चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये सही से पता होगा पहले से। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो ने जो उसका डैमेज हुआ है, बड़ा सा क्वांटम, बड़ा डैमेज हुआ है, उसको किससे कंपेयर किया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा प्लेग ऑफ लोकटस, लोकस्ट। सो चलिए गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हर्ट ऑफ लेंचोज फैमिली। लेंचोज की फैमिली को आखिरी उम्मीद क्या थी। सो इसका जो आंसर है वो आप सोच लीजिए वीडियो पॉज करके, और वीडियो पॉज करने के बाद आंसर सोच कर आप उसको रिज्यूम कर लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा हेल्प फ्रॉम गॉड। आप सबको बताए चैप्टर का नाम ही है ए लेटर टू गॉड, तो उनको गॉड से ही जो है उम्मीद थी लास्ट। क्वेश्चन नंबर अपना 9 हो चुका है, तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 10th में। तो क्वेश्चन नंबर 10th है, हाउ डिड लेंचोज डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसॉर्ट। लेंचोज ने जो है कॉन्टैक्ट कैसे किया गॉड से, एक तरह का ये पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सबको पता है, थ्रू ए लेटर। चैप्टर का नाम ही है ए लेटर टू गॉड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया है, हाउ मच मनी डिड लेंचोज आस्क फॉर। लेंचोज ने कितने मनी की उम्मीद करी थी, या फिर बोला था, या फिर मांगी थी। तो इसका सही ऑप्शन है 100 पीसोस। आप सबको पता होगा ये साफ साफ चैप्टर में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। जब ये लेटर पोस्टमैन ने देखा लेंचोज का, तो उसका रिएक्शन क्या था उस वक्त। तो इसका सही ऑप्शन है लाफ्ड होल हार्टेडली, यानी कि वो बहुत तेज तेज हंसने लगा, हा हा हा। तो यही है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। इसमें पूछा गया है कि पोस्ट मास्टर जो था वो फैट था, एमिएबल था। फैट आप सबको पता है मोटा, और एमिएबल का मीनिंग इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंडली,
यानी कि जो पोस्टमैन था वो मोटा भी था और फ्रेंडली भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोस डैश। सो इसमें आपको फिलअप फिल करना है, एक तरह का ऑप्शन है, तो इसका जो आप सही ऑप्शन बताइए सोच लीजिए। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है अनवेविंग फेथ, सेकेंड है हैंड राइटिंग, लव फ्रॉम गॉड और डिटर्मिनेशन। तो गाइस का सही ऑप्शन है अनवेवरिंग फेथ। तो गाइस चलिए अपने चलते 15th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर। जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचोस के लेटर को रिप्लाई करने का क्यों सोचा? तो इसका ऑप्शन जो है आपको दिख रहा होगा, ही वॉज अ गुड मैन, ही फेल्ट एम्पैथेटिक टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका सही आंसर होगा टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचोस का जो विश्वास था गॉड पे उसको बनाए रखने के लिए जो है पोस्ट मास्टर ने किया। क्वेश्चन नंबर 16 अपना आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 अपना, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। यानी कि जो रिप्लाई डिमांड किया गया था गुडविल इंक और पेपर से उसका क्या होगा? तो इसका आपके पास ऑप्शन है लॉस्ट क्रॉप, मनी, गॉड सिग्नेचर और न्यू सीड्स। यानी कि इंक एंड पेपर में से जो लेटर लिखा गया था उससे किस चीज़ की डिमांड करी गई थी गाइस, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो आप सबको पता है लेंचोस ने डायरेक्ट मनी की डिमांड कर ली थी, ऑर्डर दे दिया था गॉड को, जैसे कि गॉड उसके हाथ पे ही हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 में, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर ने अपने फ्रेंड, अपने जो स्टाफ होता है उन सब से, अपने वर्कर से कितने जो है मनी जो है अरेंज कर लिया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा 17 पिसोस, 17 पिसोस गाइस का सही आंसर है। तो चलिए 18th क्वेश्चन में, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचोस रिसीव द लेटर। पोस्ट मास्टर क्या फील कर रहा था जब वो उसने एक्सपीरियंस किया था लेंचोस का लेटर रिसीव करना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉन्टेंडेड। तो गाइस चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, गाइस क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, व्हाई वॉज लेंचोस नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप। जब लेंचो को एनवलप में मनी मिला तो वो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ? तो गाइस इसका सही, बिल्कुल सही आंसर है वो ये है, इसमें ऑप्शन मैं पहले आपको बता देता हूँ, ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका सही आंसर है ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। सो गाइस यही इसका आंसर है कि वो सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसको अनवेवरिंग फेथ था अपने भगवान पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब जो है लेंचोस ने अपनी मनी को काउंट किया तो उसको कैसा फील हुआ? तो गाइस इसका सही आंसर है एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि उसने जो है गॉड से 100 पिसोस की डिमांड करी थी लेकिन ओनली 70 पिसोस उसके पास आए थे, 70-70 पिसोस उनके पास आए थे, इसलिए वो एंग्री हो गया था, गुस्सा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ, मतलब कि एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचता था? तो इसका आंसर है बंच ऑफ क्रूक्स, र्यूड और अनहेल्पफुल और प्राउड, ये चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो आप मुझे इसका जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये चैप्टर में साफ साफ लिखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर। लेंचोस ने अपने सेकंड लेटर में क्या मतलब बताने की कोशिश करी है? तो गाइस इसका सही आंसर है मोर मनी। आप देख पा रहे हैं लेंचोस ने कहा था कि मुझे मोर मनी चाहिए और ज़्यादा पैसे चाहिए जो बच गए हैं। तो गाइस इसका सही आंसर है मोर मनी। तो गाइस चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, व्हाट इज़ द इरोनी इन द लेसन। इसमें पूछा गया है लेसन के अंदर इरोनी क्या है? इसका ऑप्शन है लेंचो वॉज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन थ्रू ही वॉज दी वन वेटिंग फॉर अ शावर। ऑप्शन बी पोस्ट मास्टर लॉफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज मनी फॉर हिम। ऑप्शन सी लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प हिम। ऑप्शन डी देर इज नो इरोनी। सो गाइज इसका जो आंसर है वो आपका है लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प हिम। तो ये है इसका आंसर। तो गाइज चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 है अपना, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज दी चैप्टर हाईलाइट। किस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट करता है चैप्टर? तो इसका सही आंसर आ गाइस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, नेचर और ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करता है, और कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग ह्यूमंस यानी कि
आपकी दोनों ऑप्शन जो हैं सही होंगे, फर्स्ट और ए और बी। तो डायरेक्टली हम लोग चुन लेंगे ऑप्शन डी, बोथ वन एंड टू। तो गाइस चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो गाइस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है आपका, जो कि लेसन के लास्ट में लिखा गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। इस जो पोएम की आपकी जो स्टोरी है या फिर आपका लेसन है, इसका जो है ऑथर कौन है, किसने लिखा है? तो उसका सही आंसर है गाइस जी एल फ्यूएंस। तो ये है इसका सही आंसर। सो गाइस उम्मीद आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहे अपने साथ ये स्टडी के साथ।